बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे अजीज़ हमवतनों, दोस्तों, यारों, प्यारों, रिश्तेदारों और मोहब्ब वतन पाकिस्तानियों, इस वक्त हम आज निकले हैं, जुमेरात का दिन है और अपने घर वालों के साथ और कुछ हम काम के लिए निकले थे अपने घर वालों के साथ और हमने कहा कि आज हम काम अंजाम दें, क्योंकि ऑफिस में बहुत दिन से नहीं गए और काम निपटा नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा आज हम कुछ राशन की तकसीम के लिए घर से बाहर निकलें और देख, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि काम जो है वो बिल्कुल खुले हुए हैं और लोग अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं और लोग जो हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मतलब जो लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स सबके साथ आई थी उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रिलीज़ करें और काम धंधे की तरफ दोबारा आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि लिमिटेड तरीके से रोज़ाना काम हो रहे हैं और लोग जो हैं उसको बहुत खुशसलूकी के साथ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मैं दोबारा आपसे थोड़ी देर बाद फिर जब टाइम मिलेगा मुखातिब होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आपके साथ एक दफ़ा फिर मैं हाजिर हूँ। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और दोबारा मैं हाजिर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें और आज के दिन जो है वो एक शॉपिंग के दिन है। शॉपिंग मुराद ये है कि जो घर की ग्रॉसरी है और दूसरों के लिए जो ग्रॉसरी वगैरह हैं उसके लिए है, क्योंकि काम है नहीं। तो मैंने कहा कि मैं वो काम सर अंजाम दे दूँ जो जिससे हम दूसरों के लिए खुशियाँ ख़रीद सकें। और मेरी यही दुआएँ आप सब लोगों के लिए भी हैं कि आप सब भी अपने इस्तेदाद के मुताबिक जो दूसरों के लिए हो सके करें, क्योंकि इसी में हमारी और सबकी आफियत है। इसके अलावा फिर मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि इस ईद को जो है और इस रमज़ान को बेइंतहा सादगी से मनाएं। कोशिश करें कि इसमें कपड़े ना बनाएं, बल्कि वो पैसे जो हम कपड़े बनाते हैं वो दूसरों के काम आ जाएं, राशन की सूरत में या किसी दूसरी सूरत में, क्योंकि ज़रूरी नहीं। हमने ज़िंदगी में बहुत ईदें बहुत खुशियों के साथ मनाई हैं, ये पहली दफ़ा है कि इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है। और मतलब हम किसी के काम आ जाएं, हमेशा काम आते रहें, लेकिन इस दफ़ा जो काम आना है वो एक डिफरेंट वे से है। और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।